हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 3.5। 3.5 का पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड वृक्ष इस ढंग से होता है, जैसे दिखा रखा है। क्या करना होता है इसमें, देखिए। एक शुरू का जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा, शुरू करके जैसे क्या किया, 60 यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ लिखा 10, यानी एक किस्म से हम इसको क्या माने, 6 × 10 यानी कितने हो गए, 60 हो गया। आप अब फिर 60 के फिर दो अलग अलग टुकड़े बना लिए, दो फैक्टर बना लिए, दो गुणनखंड बना लिए। 6 है तो यहाँ 2 है, दूसरा क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3। इस साइड में अगर आते यहाँ क्या दे रखा, 10 दे रखा है। यहाँ अगर आ गया 5 तो यहाँ क्या संख्या लिखेगी, ऊपर 10 आ जाए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 5 × 2 = 10। तो गुणनखंड वृक्ष आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो गुणनखंड वृक्ष दे रखा है उसमें यहाँ के ऊपर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। इसके नीचे एक तो इसका जो गुणनखंड बनाया 30 बनाया, दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे 2 बनेगा, ताकि 30 × 2 कितना हो जाए, 60 हो जाए आपका, ठीक है जी। उसके बाद नीचे 30 के पास आए, 30 का एक गुणनखंड तो 10 कर दिया, दूसरा क्या है, ताकि 3 बन जाए, 30 बन जाए, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 × 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब बच गया आपका 10। 10 के दोनों खाली दे रखे, दोनों में 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे आपके, 2 और 5, क्योंकि यहाँ लेसन जो है अब आजा गुणनखंड के लिए चल रहा है, 2 और 5 इसके 2 गुणनखंड आप यहाँ के यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट जो कंप्लीट, इतना ही करना आपको इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड में क्या दे रखा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड, कोई भाज्य संख्या और उसके अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता, कि उसके कौन से गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या 4 ले ली है। 4 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1, 2 और 4, क्योंकि भाज्य संख्या थी। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके 2 ही गुणनखंड हो, एक गुणनखंड तो 1 होता है, दूसरा संख्या खुद होती है। अब इसके अंदर क्या है आपका, 1 को नहीं ले सकते आप जो, और 4 को नहीं ले सकते। तो एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं कर सकते, तो 1 को 1 को नहीं करेंगे, दूसरा क्या संख्या खुद को सम्मिलित नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और वह संख्या स्वयं, उन 2 को आप सम्मिलित नहीं कर सकते। जैसे 4 आपके अभाज्य संख्या है, तो आप इसे 4 आपकी क्या भाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आप किस किस को नहीं ले सकते, आप 1 को नहीं ले सकते और संख्या खुद जो उसको नहीं ले सकते। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने लिए 6 ले लिया, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होगा 2 होगा 3 होगा फिर क्या होगा, 6 होगा। तो आप किस किस को सम्मिलित नहीं कर सकते, 6 को नहीं कर सकते और 1 को नहीं कर सकते, इनको आप इसके अंदर सम्मिलित नहीं कर सकते। आंसर में आपको सिर्फ यही लिखना है, ये तो आपको वैसे बताने के लिए लिख दिया है, कि 1 और स्वयं वह संख्या उसको हम सम्मिलित नहीं कर सकते। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं क्या है इसमें, थर्ड क्वेश्चन जो उसमें क्या दे रखा है, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, और उसके फिर क्या करना है, आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ जैसे मैंने बना रखा है अभाज्य गुणनखंड, ये तो आपका गुणनखंड वृक्ष के रूप में बना दिया। जैसे 9999 है, इसको अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 की और 3333 के अगर आप गुणा करेंगे तो गुणा क्या हो जाएगी, 9999 हो जाएगी, और फिर 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएंगे। उधर आएंगे तो 3333 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 1111, फिर 1111 क्या हो जाएंगे, 101 और 11, ये सी गुणखंड हो जाएंगे। तो 9999 के अभाज्य गुणखंड क्या क्या है, फिर जो है आप ये तो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि 1 को आप जो है इसको चाहे आप ना भी लिखे हो यहाँ पे, इसको ना भी लिखो चाहे बेशक इसको आप, क्यों, क्योंकि 1 क्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपकी 2 होती है। तो अभाज्य गुणखंड क्या होंगे, 3, 3 और 11 और 101, ये इसके अभाज्य गुणखंड हो जाएंगे। तो ये तो है गुणखंड वृक्ष से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाग विधि से भी। कैसे, जैसे 3999 को 3 से भाग करोगे
3 × 3 = 9, 3 × 9 = 9, 3 × 9 = 9। फिर किससे भाग होता, 3 से फिर भाग हो रहा है, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3। उसके बाद सीधा और 5 से 7 से किसी से भाग नहीं, सीधा किसी 11 से भाग होगा। हमें तो अयबाज्य गुणनखंड देखना, तो अयबाज्य संख्या से ही चेक करेंगे। 11 × 11 एक उतारेंगे नहीं जाएगा, फिर 11 × 11 तो गुणनखंड क्या क्या बने इसके, 3, 3, 11 और 101। 3, 3, 11 और 101। आप इसको ऐसे करो या ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है। चाहे गुणनखंड वृक्ष से कर दो, चाहे इस भाग विधि से कर दो, दोनों सेम है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन। फिर करते हैं चौथा क्वेश्चन इसका। चौथे क्वेश्चन में क्या देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी, ये लिख दी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें 1, 2, 3, 4, 0 और 1 शुरू में 1 ले लिया, होगी सबसे छोटी संख्या लिखिए और फिर उसके अयबाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद उसके अयबाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम इसको वही भाग विधि से कर लेते हैं। 2 से भाग करोगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 0। फिर 2 से करेंगे 2 × 4 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0। फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 5 = 10, 2 × 0 = 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 1, 2 × 5 = 10। फिर 5 पर जाएगा 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 पर जाएगा 25 × 5 = 125। फिर 5 पर जाएगा 5 × 5 = 25। तो ये इसके हो गए अयबाज्य गुणनखंड, ये हो गए इसके। अगर इसका पीछे अयबाज्य गुणनखंड लिखें तो 1, 2, 3, 4 तो 2 है, 4 तो कितना है, 4 बार तो क्या है आपका 2 आया है और बाकी आपका सारा क्या है 5 आया है। तो 1, 2, 3, 4 बार तो 2 आ गया, बाकी 5 है, 1, 2, 3, 4 बार ही 5 है, ऐसे क्या। अगर आप इसको गुणनखंड वृक्ष से करेंगे तो 2 × 5000 × 2 = 10000 हो गया। फिर 5000 ये करेंगे तो 2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। फिर इसके आगे और करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा 1250 आ जाएगा। फिर इसको करोगे 2 से करोगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा और 1250 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। फिर 625 को करोगे तो इधर तो 5 आ जाएगा और इसकी गुणा किसके साथ 125 के साथ कर दोगे। फिर 125 के करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये आपका कितना आ जाएगा 5, 25 × 5 = 125। और फिर 25 के करोगे तो क्या जाएंगे आपके ये 5 और ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड वही रहेंगे, 1, 2, 3, 4 बार तो 2 आ गया, 1, 2, 3, 4 बार क्या आ गया 5 आ गया। तो आपकी मर्जी, आप गुणनखंड वृक्ष से कीजिए या भाग विधि से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है, ठीक है। तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में, हाँ जी, 1729 के सभी अयबाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो पहले अयबाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1729 पता किसे चेक करना होता है, इनको अयबाज्य संख्या से ही चेक करना होता है। ये 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, किस पर जाएगा 7 पर जाएगा। जब आप इसको देखो तो आपको जो नियम है पता है, पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि कौन सी संख्या किस से कब कब भाग होती है। 7 पर जाएगा सीधा, 7 से करेंगे तो 7 × 2 = 14, 3 बज जाएगा 32, 32 × 7 = 28, 4 बज जाएगा 7 × 7 = 49। उसके बाद जाएगा सीधा 13 पर जाएगा, अभी 13 पर जाएगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा 13 × 13 कितने बचे 11 बन गए 117 और 13 × 9 = 117। तो क्या बना आपका, इसके गुणनखंड बने 7, 13 और 19। तो 1729 जो है, 1729 की गुणनखंड क्या बने, 7 × 13 × 29। अब क्या कह रहा था कि इनमें कोई संबंध है तो उसको देखिए, क्या कोई संबंध है तो उसको देखिए। तो संबंध अगर हम देखते, जैसे 7 और 13 है, 13 में से आप 7 माइनस करो कितने बच गए 6, 19 में से जब 13 को माइनस करोगे तो कितने बच गए 6, यानी कि लगातार जो आपके अयबाज्य गुणनखंड हैं
उनका अगर आप अंतर करके देखते हैं ना तो वो कितना का छः का है अंतर, तो क्या लिख देंगे दो कर्मागत, दो कर्मागत अभाज्य गुणन खंडों में छः का अंतर है, छः का अंतर है। ठीक है जी, ये आपका हुआ क्वेश्चन पाँच। क्वेश्चन छः को देखते हैं क्या है, देखिए क्वेश्चन छः क्या है। क्वेश्चन छः में है जी, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव छः से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए कि आप कोई तीन क्रमागत संख्याएं ले लीजिए, वो कहता है कि वो हमेशा छः से विभाज्य होगी, तो कोई उदाहरण लेकर बताइए। पहले यहाँ लिख दिया मैंने, देखिए तीन क्रमागत संख्याओं में एक तो हमेशा क्या होगी सम संख्या होगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो क्या होगा एक तीन का गुणज होगा। एक तो सम संख्या हो जाएगी, एक तीन का गुणज हो जाएगा। अब सम संख्या का मतलब दो से भाग होने वाली, और एक तीन का गुणज, अब दो और तीन की गुणा कर दो, गुणा कितनी हो जाएगी छः हो जाएगी, और अगर छः गुणा होगी तो उसका मतलब क्या है छः से भी संख्या क्या आपकी विभाजित हो जाएगी। उदाहरण अगर आप लेते हैं तो जैसे हमने उदाहरण ले लिया दो क्रमागत लेनी भी, दो गुणे तीन गुणे चार लगातार होगी। अब इनमें एक संख्या जैसी आ गई कि आपकी, एक तो दो आ गई सम संख्या होगी, दूसरा क्या होगा आपकी तीन का गुणज होगा, बाई चांस तीसरी संख्या भी सम आ गई है। चलो तो जो भी है इनकी गुणा दो तीन छः, दो तीन छः और छः चौके चौबीस, क्या चौबीस छः से भाग हो रही है, हाँ जी छः चौबीस से भाग हो रही है। उससे अगर आप और आगे लें तो आप जैसे आपने क्या ले लिया चार पाँच और छः ले ली, मान लीजिए चार पाँच और छः, या फिर देखते हैं चार क्या आपकी सम संख्या है और छः आपका क्या है तीन का गुणज है, तो नहीं गुणा करोगे चार पंजे बीस, बीस सिक्के एक सौ बीस, ये भी आपकी क्या है एक सौ बीस छः से विभाज्य है। तो इसका मतलब इस कथन की पुष्टि हो गई है कि लगातार अगर आप तीन संख्याएं ले लोगे ना तो वो कोई भी संख्या उनका गुणफल जो करके देखोगे, आप लगातार तीन संख्या ली उनका गुणफल लिया, उनका गुणफल जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, गुणफल हमेशा क्या होगा छः से विभाज्य होगा। तो दोनों के दोनों क्या आपकी छः से विभाज्य है, ये क्या आपकी जो कि छः से विभाज्य है, जो कि छः से विभाज्य है चौबीस, ऐसे ही ये भी जो कि छः से, जो कि छः से विभाज्य है। तो ये आपका क्वेश्चन छठा जो है, छठे की बात करते हैं हम जो है क्वेश्चन सातवें होकर के देखते हैं क्या, देखिए इसमें सातवें में है जी, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग चार से विभाज्य होता है। कोई इसने बात बता दी कि क्रमागत विषम संख्या ले लीजिए आप, उनका योग जो ना हमेशा क्या होगा चार से विभाज्य होगा। इस बात के कुछ उदाहरण बताने हैं आपको, क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे क्रमागत का मतलब जैसे क्या है एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस, ऐसे चलेंगे या फिर क्या सारी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ से सुन के हमने क्रमागत विषम एक, एक के बाद अगली क्या होती है तीन होती है, एक और तीन का जोड़ कितना है चार, जो कि चार से विभाज्य है। अगला उदाहरण आप क्या ले सकते हैं तीन और पाँच क्रमागत है, तीन के बाद पाँच, और तीन का जोड़ कितना है आठ है, जो कि चार से विभाज्य है। ऐसे अगली कर ली पाँच और सात, पाँच और सात का जोड़ कितना होता है बारह, ये भी क्या आपकी चार से विभाज्य है, जो कि चार से विभाज्य है। और ले लिया आगे सात और नौ का जोड़ कितना हो गया सोलह हो गया आपका, और सोलह भी क्या आपकी चार से विभाज्य है। इस ढंग से आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जब कर्मागत विषम संख्याएं लेगी तो हमेशा क्या होगी आपकी चार से विभाज्य होंगे। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सेवंथ जो है। एट्थ क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, ए बी सी डी चार पार्ट दे रखे हैं, तो क्या रखें इनमें से किस में से अभाज्य गुणनखंड किए गए, चौबीस का क्या लिखा दो गुणा तीन गुणा चार, ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार क्या है अभाज्य नहीं है, तो क्या होगी आपकी
बाज्य संख्या है, इसलिए ये तो नहीं है भी, ये तो नहीं है। फिर 56 की अगर करें गुणा एक और सात की गुणा सात, सात दूनी चौदह, चौदह दूनी अट्ठाईस, अट्ठाईस दूनी 56, और सारी की सारी क्या आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे थोड़ा सा इसने एक लिख रखा है, एक अभाज्य संख्या आपकी होती ना, एक को हम ना तो भाज्य में काउंट करते ना अभाज्य में, बाकी ये सारी की सारी संख्या क्या आपकी क्या है अभाज्य हैं, इसलिए सही है, इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड सही है। अब 70 दे रखी 70, दो पंजे दस, दस सत्य 70, ये भी दो पाँच सात तीनों की आपकी अभाज्य संख्या है, तो ये भी सही है। फिर डी में दे रखा 54, दो तीन छः, छः निम 54, लेकिन नौ जो है ना आपकी यहाँ पे नौ, नौ आपकी अभाज्य नहीं, क्या है भाज्य है, नौ क्या है भाज्य है ये, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो दो आंसर आपके इसमें पूछा कौन कौन से कथन निम्न में से व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए, किसके गुणनखंड सही है, निम्न में से किन में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, तो किसमें की आंसर क्या लिख देंगे बी और सी में किए गए हैं जी, बी और सी, किसमें बी में और सी में, बस इतना ही करना है इसके अंदर, कंप्लीट है। उसके बाद देखिए आप नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन देखिए आप, उसमें है संख्या 18, 18 कोई संख्या है, दो और तीन दोनों से विभाज्य है, 18 ऐसी संख्या जो दो से भाग हो रही है, दो निम 18, तीन से भाग हो रही है, तीन से 18, यह है दो गुणा तीन, यानी जिन जिन से भाग हो रही थी, किससे दो से और तीन से, दो गुणा तीन, दो गुणा तीन कितना गया आपका 6, 6 से विभाज्य, हाँ 18 को अगर आप 6 से भाग करोगे तो 6 से भी भाग हो रही है, ठीक है जी। इसी प्रकार यानी यहाँ क्या बताने की कोशिश की है कि जैसे 18 संख्या दो से भाग हो रही है, तीन से भाग हो रही है, तो कह रहा है भी जो है दो और तीन के अगर आप गुणा कर दें, जैसे क्या है आपकी 18 जो है, 18 किससे भाग हो रही है, दो से भाग होने लग रही है, और किससे भाग होने लग रही है, तीन से भाग होने लग रही है, इन दोनों की गुणा कर दें, दो तीन कितने हो गए 6, तो कहते हैं कि 18 जो है ना 6 से भी भाग हो रही है, 6 से भी, तो कहते हैं क्या हमेशा ऐसा होता है कि कोई संख्या दो संख्याओं से भाग हो रही है, उन दोनों की अगर गुणा कर दें तो दी गई संख्या उस गुणनफल से भी भाग होगी। जैसे इसने एक एग्जांपल यहाँ दिया, क्या दिया ये अगला क्या कहा देखिए, इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, कोई संख्या ले ली, पता नहीं ऊपर संख्या क्या है, 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, 4 और 6 से क्या दोनों से विभाज्य है, तो फिर कहते हैं क्या वो 24 से भी विभाज्य होगी क्या, ऊपर की तरह जैसे दो और तीन से भाग हो रही थी, दो और तीन से तो 6 से कर दी थी, कोई एक संख्या और ले लिया, हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो 4 और 6 से विभाज्य है वो, तो उसके ऊपर वाले हिसाब से तो फिर किससे होनी चाहिए, 24 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो कहते हैं क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा होता है क्या, क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 यानी कि 24 से भी विभाज्य होगी, 24 से विभाज्य होगी, ऐसा हम कह सकते हैं क्या, यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो पहली बात तो ये कि वो संख्या 24 से विभाज्य नहीं होगी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या होगी, नहीं होगी। उदाहरण के लिए कोई संख्या जैसे हमने एक संख्या क्या ले ली, 12 ले ली, 12 12 किससे भाग हो रही है आपकी, 4 से भाग हो रही है, 6 से, और 12 आपकी किससे भाग हो रही है, 4 से भी हो रही है, तो संख्या 12 जो है, संख्या 12 किससे भाग हो रही है, 6 से हो रही है, किससे हो रही है, 4 से, इनके अगर गुणा कर दें 6 और 4 की गुणा कर दें 24, तो ऊपर वाले नियम के हिसाब से तो 24 होना 12 जो है वो 24 से भी भाग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, परंतु संख्या 12 संख्या 24 से विभाज्य नहीं है, तो हमने एक उदाहरण आपको यहाँ पे दे दिया। कोई और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कोई संख्या ले लिया आपने 60 ली, 60 एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे क्या है संख्या 60 जो आपकी 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, लेकिन ये 24 से तो विभाज्य नहीं है अभी, अगर ये गुणा कर देंगे आप, परंतु यह 4 गुणा 6 24 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। दो एग्जांपल दे दिए हमने एक के बजाय, अब एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज का इसका, वो क्या लास्ट इजी सा है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, 4 भिन्न भिन्न और क्या है अभाज्य गुणनखंड है, और सबसे छोटी संख्या है भी, अगर सबसे छोटी संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड भी सबसे छोटे होंगे, फिर आप
क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है, तो अगर संख्या सबसे छोटी है भाई तो उसके गुणखंड भी सबसे छोटे होंगे। तो चार सबसे छोटे गुणखंड ज्ञात कर लीजिए पहले आप। तो सबसे छोटा गुणखंड क्या, दो, दो के बाद क्या आता है आपका तीन आता है, तीन के बाद क्या आता है पाँच, और उसके बाद क्या आता है सात। जो है भाई गुणखंड छोटे यही हैं, दो सबसे छोटा, दो उसके बाद तीन उसके बाद पाँच उसके बाद सात। तो अभीष्ट संख्या आता है, अभीष्ट संख्या क्या बन जाएगी, दो गुणे तीन गुणे पाँच गुणे सात, दो तीन छः, छः पंज तीस और तीस सत्ते कितना हो जाएगा 210। तो 210 ऐसी संख्या है जो जिसके गुणखंड जो है ना चार सबसे छोटे है भाजक गुणखंड है, इसका आंसर हो जाएगा इसका 210। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज जो है ये 3.5 जो है कम्प्लीट। इसमें अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।